दोस्तों 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी अप्रोच बना रही है और ZCU 36319 इसकी लीड पे आज, और बड़ी ज़बरदस्त हॉल करता हुआ आ रहा है। लेट नहीं है ज़रा सी भी, तो इसका अराइवल देखें आप। ये 8 डाउन तेजगाम दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान की लेजेंड ट्रेन है और काफ़ी अच्छा इसको प्रायोरिटी भी काफ़ी इसको दी जाती है, और बस इसका रेक का थोड़ा सा इशू है, इसको रेक बस नया दे दे, बाकी ये ट्रेन बहुत अच्छी है। देखिए लेट नहीं आ रही आज बिल्कुल भी, ज़रा से भी राइट टाइम इसका अराइवल हो रहा है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। ओहो ज़बरदस्त, ये देखें इसको आज एक ग्रीन लाइन के बिजनेस क्लास की कोच लगाई हुई है CNR, जो नई कोच आई है, और ये कोच का बाहर का आउटर व्यू है, और बाकी काफ़ी लंबी ट्रेन है और बेस्ट ट्रेन है करपिंडी टू कराची के रूट पर। तो ये था आज का 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस का अराइवल मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और तो दोस्तों हम आ चुके हैं 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस के एयर कंडीशन स्लीपर की कोच में, और उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में, नीट एंड क्लीन, और एसी भी इसका बहुत चिल चल रहा था, तो न्यूली पेंटेड रिफर्बिश्ड कोच है, तो बिल्कुल इसकी बहुत ही अच्छी हालत थी। और ये आप देख सकते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर ये स्टेशन है 8 डाउन तेजगाम, और काफ़ी कम स्टॉपेजेस के साथ ही आपको पिंडी से कराची पहुंचाती है, बेस्ट ट्रेन मैं कहूँगा इसको। और इसका आपको अभी क्या कहते हैं इंटीरियर का भी रिव्यू देता हूँ मैं, और यह आप देख सकते हैं न्यूली पेंटेड कोच है। अभी चलें इसके अंदर चलते हैं, इसकी बेडिंग देख, तो आपको मैंने बाहर की कंडीशन दिखाई थी, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और अंदर का रिव्यू करते हैं। ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, और इसमें एक फैमिली थी जिसमें सिर्फ उनके वालिद और बच्चे थे, तो इसकी बेडिंग की क्वालिटी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत ही कंफर्ट इसका था, और बच्चे को भी बड़ी पसंद आई, जैसे कि आप देख सकते हैं कह रहे बहुत अच्छी है, तो छोटे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और बहुत चिल तरीन एसी था इसका, इनके वालिद साहब हैं। और ये देखें इसके कर्टन्स भी लगे हुए हैं, पर स्टडी लाइट्स इसकी वर्किंग नहीं कर रही, ये इसके कर्टन्स हैं, ये भी खोल के, हाँ ये देखें मुल्तान छावनी सामने। और बाकी मुझे ओवरऑल ये कोच तो बड़ी अच्छी लगी, पर वही बात के पुरानी कोच है, और इसकी बेडिंग बहुत अच्छी थी, अभी हर चीज़ इसकी वर्किंग में थी, मतलब सिवाय स्टडी लाइट्स के, और बेस्ट कोच थी। और इसका किराया मैं आपको बता दूं कि पिंडी से कराची 17,000 कुछ रुपये है एसी स्लीपर का 4 बेड्स का, तो इसमें आपको कोई बेडिंग वगैरह शामिल नहीं है, उसके आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों मैंने आपको इसके बेडिंग वगैरह का रिव्यू दिया, इंटीरियर का रिव्यू दिया, और अब बात आती है वॉशरूम की। सामने मिरर लगा हुआ है और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ हालत में है, पर वही बात के स्पेस बहुत कम आती है, अगर किसी ने लॉन्ग ट्रैवल करना है तो उसके लिए स्पेस बहुत कम है, और बाकी ओवरऑल वॉशरूम बहुत इसका साफ़ सुथरा था। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं 8 डाउन तेजगाम की डाइनिंग कार की कोच में, जो कि बहुत ही पुरानी और खस्ता हालत में है। आप देख सकते हैं कि इसमें उधर लाइट्स भी पूरी नहीं है, मतलब एसी भी इसका बस सो काम कर रहा था, और इतना तो मुझे नहीं लग रहा। और हमारे साथ मौजूद है रेल नामे पाकिस्तान के होस्ट, चैनल के होस्ट असद भाई, तो असद भाई भी इसका रिव्यू कर रहे थे और मैं भी इसका रिव्यू कर रहा था, तो हम लोगों को इतनी ये ख़ास पसंद नहीं आई, तो यही था इसका 8 डाउन तेजगाम की डाइनिंग कार का रिव्यू। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा,
स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।